हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज़ आयरिश हॉरर फिल्म द क्योर के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक मेज नाम का वायरस पूरे यूरोप में फैल चुका था और सबसे ज्यादा असर उसने आयरलैंड पर डाला था, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग इन्फेक्ट हुए थे। लेकिन बाद में इसकी दवा खोज ली गई और तकरीबन 75% लोगों को क्योर कर लिया गया, पर 25% लोग अभी भी ऐसे बचे थे जिन पे दवा का कोई असर नहीं था और वो अभी भी ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में थे। तो ऐसे में वहाँ दो ग्रुप बन जाते हैं, एक जिन्हें द क्योर कहा जाने लगा और दूसरे इन्फेक्टेड थे। अब ऐसे में इन्फेक्टेड लोगों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता था, तो उन्हें एक कैप्टिविटी में बंद करके रखा जाता है। अब सरकार के ऐसा करने पर लोगों में ये डर था कि इन्फेक्टेड लोगों को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं और हो सकता है उनकी वजह से ये वायरस और फैल जाए। अब इसी बात को लेकर आम जनता में रोष था और जगह जगह वो प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं सैनन और कॉनर को, जो क्योर पेशेंट थे और उन दोनों का इलाज इकट्ठे चल रहा था। उनका रिहैबिलिटेशन ऑफिसर सर्जेंट कैंटर भी उन्हीं में से एक होता है, जो सोचते थे कि क्योर भी इन्फेक्टेड की तरह डेंजरस है और उनपे विश्वास नहीं किया जा सकता और किसी भी तरह वो सोसाइटी में सोशलाइज नहीं हो सकते और न जाने कब वो फिर से उनके लिए खतरा बन जाए। तो ऐसे में वो उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता है। सैनन और कॉनर को बाकी लोगों के साथ बस में बिठाकर उनके घर छोड़ा जाता है, जहां रास्ते में लोग प्रोटेस्ट करते और उनपे पत्थर बरसाते नजर आते हैं, जो ये चाहते थे कि उन्हें भी इन्फेक्टेड लोगों के साथ मार दिया जाए। बस में बैठे सब लोग सहमे होते हैं और उनकी नजरों में एक डर नजर आता है, क्योंकि सब लोग उनसे नफरत करते थे। खैर, सैनन कॉनर से अलविदा लेता है और अपने भाई के घर पहुंचता है, जहां वो अपनी भाभी एबी और उसके बेटे किलियन से मिलता है। सैनन का भाई ल्यूक भी मिसिंग था और अब तक उसका कोई पता नहीं था, तो एबी उससे ल्यूक के बारे में पूछती है, पर सैनन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसके बाद वो एक कमरे में जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कोई ज़ॉम्बी सैनन पे हमला करके उसे इन्फेक्ट कर देता है और बाद में वो ल्यूक पे भी हमला करता है, पर ल्यूक उसे मारकर एक कमरे में छुप जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इन्फेक्टेड लोग जो अब क्योर हो चुके थे, उन्हें इन्फेक्शन टाइम की मेमोरीज बिल्कुल साफ साफ याद थी और उन्होंने क्या किया और किसको मारा सब क्लियरली याद था, जिसकी वजह से उनमें से बहुत से लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर रहने लगा था, जिसकी वजह से वो भयानक यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, जिनमें से सैनन भी एक था। उधर कॉनर, जो एक यंग लॉयर था और इलेक्शंस में खड़ा होने वाला था, वो अपने पिता के पास, जो खुद एक लॉयर होता है, उससे लॉ फर्म में काम मांगने जाता है। पर चूंकि कॉनर ने अपनी माँ को मारा होता है जब वो इन्फेक्टेड था, तो उसका पिता उसे राक्षस बुलाता है और उसे खुद से दूर रहने को कहता है। ये सुनकर कॉनर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब उसने वो किया तब वो होश में नहीं था, पर अब वो बदल चुका था। उधर सैनन दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है और एक हॉस्पिटल में जॉब कर लेता है, जहां इन्फेक्टेड लोगों को रखा जाता था। यहां एक पेशेंट पे ट्रीटमेंट के दौरान उसे पता चलता है कि इन्फेक्टेड लोग क्योर हो चुके लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि वो उन्हें भी अपने में से एक मानते थे। ये देखकर सैनन काफी आश्चर्यचकित होता है। दरअसल ये भी एक वजह थी उस शहर में टेंशन की, क्योंकि आम लोग ये सोचते थे कि शायद क्योर लोग सारे शहर को इन्फेक्ट होते देखना पसंद करेंगे, क्योंकि उनपे इन्फेक्शन का कोई असर नहीं होता था। इसीलिए वो क्योर लोगों से नफरत करते थे और उन्हें खुद से दूर रखना चाहते थे। इसके बाद कॉर्नर के बुलाने पे सैनन उसे मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है कि तभी सर्जेंट कैंटर वहां जाता है और कॉर्नर को मारता है और उसे वार्न करता है कि अपनी फैमिली से दूर रहे, वरना वो दोबारा उसे समझाने नहीं आएगा। इसके बाद कॉनर एबी से मिलता है और उसे बताता है कि वो सैनन के साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर में था। एबी उसे ज़ॉम्बी बनने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है कि तब कैसा लगता है जब तुम इन्फेक्टेड होते हो। कॉनर उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और फिर वो थोड़ी देर बातें करते हैं और अपने अपने रास्ते चल देते हैं। उधर एक वायरोलॉजिस्ट उस वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए इन्फेक्टेड पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करती है, पर कोई दवा उन पे असर नहीं करती। कि तभी एक दिन सैनन एक सोल्जर को बेसमेंट में जाते देखता है। पीछा करने पर उसे पता चलता है कि वो एक इन्फेक्टेड पेशेंट को हरास कर रहे थे, तो वो उसे बचाने जाता है, पर वो पेशेंट वहां से भाग जाती है। उसके भागते ही दूसरा सोल्जर उसे गोली मार देता है। ये देखकर सैनन काफी दुखी होता है। उधर न्यूज में बताया जाता है कि गवर्नमेंट उन 25% लोगों को मारने का प्लान बना रही है जो ठीक नहीं हो सकते, पर वो वायरोलॉजिस्ट कहती है कि मैं दवा बनाने के बहुत करीब हूँ, मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। अब आगे कॉनर सैनन को भड़काता है और कहता है कि ये लोग हमें भी उन इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ मरवाना चाहते हैं, इनकी नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं, हमें लड़कर अपना हक वापस लेना होगा। दरअसल कॉनर क्योर्ड लोगों का एक ग्रुप बना लेता है, जिनका मिशन खो चुकी लिबर्टीज को वापस पाना था, और वो सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं।
पहले तो सैनन उसे मना करता है पर बाद में खुद पे हो रहे जुल्म और सोसाइटी की अपनी तरफ नफरत देकर मान जाता है। कॉनर उसे बेकसूर लोगों के घर बम फिकवाता है जिसमें वो कहता है कि इसमें किसी की जान नहीं जाएगी, पर अगले दिन न्यूज में उन्हें पता चलता है कि उस बमबारी में एक निर्दोष सोल्जर की जान चली गई। इससे सैनन काफी अपसेट होता है और सार्जेंट कैंटर को उन दोनों पे शक होता है। यहाँ एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जिसने ल्यूक को मारा वो कोई और नहीं बल्कि सैनन था। दरअसल वो कॉनर ही था जिसने सैनन को इन्फेक्ट किया था और बाद में सैनन ने अपनी बद्धवासी में अपने भाई का ही खून कर दिया। खैर, आगे सार्जेंट कैंटर एबी से मिलने आता है और उसे मेज वायरस से इन्फेक्ट हो चुके लोगों के बारे में बताता है कि वो सब टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो सब किसी जंगली जानवर की तरह झुंड में आते हैं और जिसे उन्हें मारना होता उसे टारगेट बनाते हैं। वो उसे कहता है कि ऐसे राक्षसों को कोई दवा ठीक नहीं कर सकती, उन्हें बस मारना ही एकमात्र उपाय है। इतना कहकर वो एक एनवेलप उसके आगे करता है और चला जाता है। उस एनवेलप में कॉनर और सैनन की तस्वीरें होती हैं जब वो इन्फेक्टेड थे और किस तरह दरिंदगी से वो लोगों को मार रहे थे ये दिखाया गया होता है। फोटोग्राफ को देखकर ऐसा लगता था जैसे कॉनर सैनन को लीड कर रहा हो। एबी को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और वो खुद इन्वेस्टिगेट करने कॉनर के अड्डे पे जाती है और उनकी वीडियो बनाती है जहां वो क्योर्ड लोगों में एक हैवानियत देखती है। वहां उसका सामना कॉनर से होता है। कॉनर के आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो वहां से भाग जाती है। अब रात को कुछ लोग एबी के घर हमला कर देते हैं जिसमें वो सैनन को मारते हैं और एबी की वीडियो टेप चुरा कर ले जाते हैं। एबी की शिकायत पे पुलिस कॉनर के अड्डे पे रेड कर देती है पर कॉनर बचकर वहां से भाग जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो एक पार्क में एबी से मिलने आता है जहां वो उसे सच बता देता है कि मैंने और सैनन ने मिलकर ल्यूक को मारा था जब हम इन्फेक्टेड थे, और अपने गले का जख्म दिखाकर वो कहता है कि उसने भागने की कोशिश की थी पर मैंने और सैनन ने उसे मार डाला। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। उधर सार्जेंट कैंटर कैनन से मिलकर कॉनर को पकड़ने का प्लान बनाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद कर सकता हूँ, पर सैनन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे एक लड़की कॉनर से मिलने का मैसेज देती है। रात को जब वो घर पहुंचता है तो एबी उसे कन्फ्रंट करती है जहां सैनन रोता हुआ उसे सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे कॉनर के इन्फेक्ट करने पे बाद में उसने ल्यूक को मारा था। ये सुनकर एबी फूट फूट कर रोने लगती है और उसे घर से निकाल देती है। यहाँ सैनन को रियलाइज होता है कि कॉनर के दिल में सिर्फ नफरत है और वो किसी का भला नहीं कर सकता और जो उसने पास्ट में किया और जो अब वो कर रहा है उसे उसका कोई पछतावा नहीं, तो वो उसे दूरी बनाने का फैसला करता है। वो भी इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी कॉनर उसे मिलने आता है और फिर से उसे भड़काने की कोशिश करता है, पर तभी सार्जेंट कैंटर वहां आ जाता है और कॉनर को अरेस्ट करता है। और यहां हमें पता चलता है कि सैनन सार्जेंट कैंटर के साथ उस स्ट्रिंग ऑपरेशन में उसका साथ दे रहा था, पर कॉनर उस पर भारी पड़ जाता है और बड़े ब्रूटली तरीके से उसे मार देता है। फिर वो सैनन पे धोखा देने का इल्जाम लगाता है और उसपे अपना गुस्सा निकालता है और उसे भी मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता और उसे कहता है कि तुम बेवकूफ हो जो ये सोच रहे हो कि ये लोग तुम्हारी अभी भी परवाह करते हैं, बल्कि सच तो ये है कि क्योर लोगों के अलावा तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं करता। अब कुछ देर बाद पुलिस आती देख कॉनर वहां से भाग जाता है। इसके बाद सैनन हॉस्पिटल अपनी जॉब पे वापस जाता है जहां कॉनर और उसका ग्रुप हॉस्पिटल पे हमला कर देते हैं और वायरोलॉजिस्ट की मदद से सब इन्फेक्टेड लोगों को छुड़वा लिया जाता है। सब जगह भगदड़ मच जाती है, इन्फेक्टेड लोग सड़कों पर उतर आते हैं और सब जगह मेज वायरस बड़ी तेजी से फैलने लगता है। ये देख आर्मी हरकत में आती है और इन्फेक्टेड लोगों को मारने का ऑर्डर पास किए जाते हैं और नॉर्मल लोगों को गाड़ी में बिठाकर शहर से दूर ले जाया जाता है जिसमें वो एबी को भी ले जाते हैं, पर एबी जाना नहीं चाहती क्योंकि उसका बेटा अभी भी स्कूल में फंसा था। तभी सैनन वहां आता है और एबी उसे अपने बेटे को लाने को कहती है। अब चूंकि सैनन को इन्फेक्टेड लोग कुछ नहीं कहते थे तो वो उन सब के बीच से होता हुआ किलिन को लेने स्कूल पहुंचता है और सही सलामत उसे वहां से ले आता है। पर यहां हम कॉनर को उसका पीछा करते देखते हैं जो टेलीपैथिकली दूसरे जॉम्बीज को उसे मारने के आदेश देता है। सब जॉम्बी किलिन को मारने उसके पीछे आते हैं। सैनन जॉम्बीज को रोकता है और किलिन को भागने में मदद करता है, पर तभी कॉनर वहां जाता है और एक रॉड से सैनन को मारने लगता है कि तभी एक गोली कॉनर के कंधे पे लगती है और वो वहीं जख्मी होकर गिर जाता है। सैनन किलिन को छुड़वाने जाता है और सब जॉम्बीज को मारकर किलिन को सही सलामत वापस ले आता है, पर तब तक कॉनर वहां से भाग जाता है। उधर एबी भी शेल्टर से भाग आती है और जॉम्बीज को मारती हुई अपने घर पहुंचती है। यहाँ सैनन किलिन को अपनी माँ से मिलवाता है, पर तभी एक जॉम्बी किलिन पे हमला करता है और उसके हाथ पे काट लेता है जिससे किलिन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये देख एबी उसे मारना चाहती है, पर चूंकि सैनन को इन्फेक्टेड लोग कुछ नहीं कहते थे तो
तो वो कहता है कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती तब तक वो किलियन को अपने पास रखेगा और एक बार दवा बनने के बाद वो उसे वापस ले आएगा। ये सुनकर एबी को हौसला होता है और वो किलियन को उसे सौंप देती है। अब कुछ समय बाद न्यूज में बताया जाता है कि इन्फेक्टेड लोगों को मारने के आदेश वापस ले लिए गए हैं और अब इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 5,000 से बढ़कर 8,000 हो चुकी थी। अनाउंसमेंट के दौरान हम एबी को सड़क पे चलते देखते हैं और पीछे हमें कॉर्नर के प्रमोशनल पोस्टर दिखाई देते हैं जिसमें वो क्योर्ड अलायंस का लीडर बन चुका था और अपने हक के लिए लड़ रहा था। इसके बाद न्यूज के थ्रू हमें ये भी बताया जाता है कि कुछ इन्फेक्टेड लोग छुपे हुए हैं जिन्हें सरकार मारने का प्लान बना रही है। ब्रॉडकास्ट देखते समय एबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि किलियन अब भी इन्फेक्टेड था और सैनन के साथ छुपा हुआ था। अब बस वो यही उम्मीद कर सकती थी कि जल्द से जल्द कोई वैक्सीन आए और वो अपने बेटे से दोबारा मिल पाए। अब लास्ट में हम किलियन को सैनन के साथ जाते हुए देखते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो यहीं पे रैप करते हैं। उम्मीद है एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।